ये जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई है वो सही तरह काम कर रही है या नहीं कर रही। मैं आपको भी आप स्क्रीन में दिखा भी सकता हूँ कि जो आपकी एक्सपेंशन डिवाइसेस है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन डिवाइस, वो किस तरह की होती है, तो आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखिए एक्सपेंशन डिवाइसेस, यहाँ पे आपको देखिए इसकी टाइप्स मिल गई हैं आपको नीचे, इसकी काफ़ी हैं, थर्मल एक्सपेंशन डिवाइस, मैनुअल कैपिलरी ट्यूब, ऑटोमेटिक वाल्व्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व्स हैं, हाई प्रेशर फ्लोट वाल्व्स हैं, लो प्रेशर फ्लोट वाल्व्स हैं। तो आपको इजीली इसमें भी आपको ये देखिए ये डायग्राम में आपको नज़र आ रही है एक्सपेंशन डिवाइस है, ये जो एक्सपेंशन डिवाइस है ये थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन डिवाइस, इसके अंदर बैलन लगी होती है, टेम्परेचर के साथ प्रेशर के साथ सिकुड़ती है, फैलती है, ये थर्मोस्टेटिक है नॉट इलेक्ट्रिकल, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल है वो छोटी सी होती है, ब्लैक टाइप सी होती है, बहुत छोटी सी होती है, उसमें जिसमें भी जैक लगा होता है जो कि वही जैक आपके इंडोर के पीसीबी में जाके लगता है। थोड़ा नेट थोड़ा स्लो होने की वजह से इशू आ रहा है, तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा। तो उसके अलावा अभी हम आपसे डिस्कस कर रहे थे एरर कोड्स के मुतल्लिक जी, तो हम वापस अपने चलते हैं एरर कोड्स के ऊपर, के जो हमारा A9 है, माल फंक्शन डिफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल कॉइल, बिल्कुल ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन डिवाइस की जो कॉइल है जिसके अंदर एक कॉइल लगी होती है, मैग्नेटिक कॉइल होती है, उसमें भी कोई मसला आ सकता है, कॉइल स्टक हो जाती है, कॉइल ब्रेक हो जाती है, कॉइल डैमेज हो जाती है, तो काफ़ी वजूहत हो सकती हैं। डिफेक्ट ऑफ इंडोर पीसीबी बिल्कुल ठीक है, जैसे कि हम आपको लास्ट वीडियो में बताते आ रहे हैं कि जो आपके इंडोर पीसीबी है उसमें भी कोई मसला आ सकता है, वो अगर सप्लाई नहीं निकाल रही होती, एक्सपेंशन डिवाइस से इतना काम नहीं कर रही होती। उसके अलावा डिफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर कॉन्टैक्ट है, बिल्कुल जो उसका कॉन्ट्रैक्टर स्ट्रिप है, जो उसकी डिवाइसेस की इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन डिवाइस का जो जैक है उसमें भी कोई मसला आ सकता है, ड्यू टू पीसीबी साइड से भी आ सकता है, उसके अपने साइड से भी आ सकता है मसले, सही बात है, मसले वगैरह तो आते हैं आप, लेकिन आप इसको भी इजीली चेक कर सकते हैं सिस्टम में, लेकिन ये वैसे मसला आता बहुत कम है, एक काफ़ी टाइम के बाद ये मसला आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये रेगुलर मसला नहीं है, ये बहुत मेजर केसेस है, काफ़ी टाइम के बाद आपको देखने को मिलती हैं, इन केस को इसकी वायर वगैरह डैमेज हो गई हो तो अदरवाइज़ ये सिस्टम से मसला कभी आता नहीं है। उसके अलावा है जी आपका डबल ए भी आपको, ये भी एक एरर आपका इंडोर का, लेकिन ये भी आपको बहुत कम देखने को मिलता है अभी तक, तो वैसे मैंने तो अभी तक एक बार भी नहीं देखा कि आपका हीटर ओवर हीट का कोई एरर आया हो, नहीं आपको देखने का बहुत कम मिलता ही नहीं है। बेसिक्स में फिर भी आपको बता देते हैं कि होता क्या है, ये भी डायकन के आता है हीटर का, जब इसमें भी हीटर वगैरह लगे होते हैं, क्रैंकेज हीटर वगैरह इस्तेमाल किया जाता है ऑयल को गर्म करने के लिए, उसके जो एंड फ्रीजिंग पे चला जाता है तो फिर उसको बर्फ़ को मेल्ट करने के लिए हीटर इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको डिस्प्ले भी डबल ए शो होता है, हीटर ओवर हीट हो जाता है, उसके अलावा 26 W H इज एक्टिवेटेड, ये भी इसकी कोई इंडोर के अंदर कोई सप्लाई होगी ऐसी, कोई जैक होगा, कोई ऐसा रेजिस्टेंस लगी होगी, कोई डायोड्स लगी होगी, कोई सेफ्टी लगी होगी, सेफ्टी इसकी ओपन हो जाती है जब ये ओवर हीट हो जाता है। तो उसके अलावा आपका है जी AF माल फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमिडिफायर सिस्टम, बिल्कुल ह्यूमिडिफायर भी आपको बहुत कम ऐसा होता है कि ह्यूमिडिफायर आपका लीकेज हो जाए। हाँ बेसिकली ह्यूमिडिफाई होता है कि हवा में नमी की मिकदार को ज़्यादा करता है, हवा में जो मॉइस्चर होता है उसमें ज़्यादा, हवा में जो मॉइस्चर की मिकदार होती है उससे ज़्यादा करता है ह्यूमिडिफायर, जहाँ पे आपको नमी की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे आपको ये नमी प्रोवाइड करता है ह्यूमिडिफायर, ज़्यादा वहाँ पर नमी बढ़ाता जाता है। तो इसके अलावा बेसिकली ये काम है कि ये भी आपको एरर बहुत कम देखने को मिलता है। उसके अलावा जो डिस्प्ले आपको स्क्रीन पर शो होगा AF माल फंक्शनिंग ह्यूमिडिफायर सिस्टम, बिल्कुल ठीक है कि ह्यूमिडिफायर सिस्टम मसला आ रहा है, वाटर लीकेज ऑफ ह्यूमिडिफायर ऑप्शन के वाटर लीकेज भी हो सकती है ह्यूमिडिफायर के अंदर। उसके अलावा फेलर ऑफ स्विंग फ्लैट स्विच हो सकता है, इम्प्रॉपर ड्रेन पाइपिंग लाइन हो सकती है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सिस्टम ऐसे मसला आता नहीं है, बहुत कम आता अभी तक वैसे आता ही नहीं है। उसके अलावा आपका AHU है माल फंक्शनिंग ऑफ डस्ट कलेक्टर ऑफ एयर क्लीनर, ठीक हो गया, डिफेक्ट ऑफ डस्ट कलेक्टर एलिमेंट, डिफेक्ट ऑफ हाई वोल्टेज पावर सप्लाई यूनिट, स्टैंड इंसुलेटर पार्ट, डिफेक्ट ऑफ इंडोर यूनिट पीसीबी, माल फंक्शनिंग डस्ट कलेक्टर ऑफ एयर क्लीनर, लेकिन ये भी आपको मसला नहीं देखने को मिलता है, बहुत कोई काम वैसे अभी तक तो कोई भी नहीं आया इस तरह का। माल फंक्शनिंग कैपेसिटी सेटिंग, हाँ ये आता है आपको मसला, ये जो AJ है, AJ का जो माल फंक्शनिंग है आपको इंडोर पे एरर शो करेगा, AJ माल फंक्शनिंग कैपेसिटी सेटिंग इंडोर यूनिट PCB, ये मसला मेरे साथ भी काफ़ी बार हो चुका है कि जब आप कोई सीटिंग सिस्टम वगैरह रीसेट करते हैं, कार्स वगैरह चेंज करते हैं, तो आपको उसकी कैपेसिटी सेटिंग वगैरह करनी पड़ती है, जब आपको कोई आउटडोर 18 HP का है तो आपको उसकी आउटडोर की सेटिंग डिप स्विचिंग में जाकर उसको 18 HP करना पड़ता है, इंडोर की अगर सेटिंग आपका 1 टन का 1.5 टन का 2 टन का तो इंडोर की सेटिंग भी आपको देनी पड़ती है, जब तक आप इंडोर की सेटिंग मैनुअली नहीं देंगे तब तक सिस्टम आपको डालने नहीं होगा, भी आपको एरर शो करेगा, ये बहुत ज़्यादा एरर तंग करता है और बहुत ज़्यादा मसले वाला एरर है, ये अच्छी चीज़ है।
कैपेसिटी सेटिंग हो। इसमें ये भी आपको यहाँ तक इसकी कैपेसिटी सेट करनी पड़ती है कि एक सिस्टम के साथ अगर आपके 9 या 10 इंडोर हैं तो आपको वहाँ पे 9-10 इंडोर मैनुअली करने पड़ेंगे कि इसके साथ हमारे 8-9-10 इंडोर हैं। सेटिंग आप इसकी करेंगे कैपेसिटी सेटिंग, अडाप्टर इज नॉट इंस्टॉल वैन रिप्लेसिंग पीसीबी डिफेक्ट। बिल्कुल जैसे आपको मैंने कहा कि आप रिप्लेस हो पीसीबी रिप्लेस करते हैं कोई सिस्टम में कोई मसला आता है देन आपको ये मसला करता है आता है फेस करना पड़ता है, तो इसका भी कोई इतना बड़ा मेजर इशू नहीं है। आप इसकी मैनुअल खोल के कैटलॉग देखे तो वहाँ पे इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा आपका है जी C1 फेलर ऑफ ट्रांसमिशन बिटवीन इंडोर यूनिट पीसीबी एंड फैन पीसीबी, ठीक हो गया है। जो आपके फैन का कार्ड है जो आपका इंडोर का कार्ड है उसमें भी मसला आ सकता है। C1 का अलार्म देगा आपको डिफेक्ट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फैन मोटर कंट्रोलर ड्राइवर, बिल्कुल ठीक है। जो ड्राइवर है वो उसमें भी कोई मसला आ सकता है जिसकी वजह से आपकी सप्लाई मुनकता होती है और आपका नहीं होता है वोल्टेज सप्लाई नहीं होती है, ये भी मसला आ जाता है। उसके अलावा आपका है C4 माल फंक्शनिंग लिक्विड पाइप थर्मिस्टर 4, ये भी इशू आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। ये बिल्कुल राइट है, ये भी इशू आपको देखने को मिलता है। C4 आपका एरर डिस्प्ले भी शो करेगा माल फंक्शनिंग लिक्विड पाइप हीट एक्सचेंजर, लिक्विड पाइप हीट एक्सचेंजर C5 लिक्विड पाइप हीट एक्सचेंजर, ये है एक मिनट, ये लिक्विड पाइप हीट एक्सचेंजर थर्मिस्टर है फॉर हीट एक्सचेंजर, डिफेक्ट ऑफ कनेक्टर कॉन्टैक्ट है डिफेक्ट ऑफ लिक्विड पाइप थर्मिस्टर फॉर हीट एक्सचेंजर, बिल्कुल ठीक है जी। जो थर्मिस्टर है लिक्विड पाइप पर जो लगा हुआ है वो भी ख़राब हो सकता है, उसकी सप्लाई में कोई मसला आ सकता है, किट में कोई मसला आ सकता है, कॉन्टैक्टर स्ट्रिप के साथ कोई मसला आ सकता है। लेकिन ये भी आपको मसला ज़्यादातर पैकेज टाइम में देखने को मिलता है, VRU में मिलता है, उसके अलावा दूसरे छोटे यूनिटों में मिल जाता है। उसके अलावा है जी आपका माल फंक्शन है वो गैस पाइप थर्मिस्टर फॉर हीट एक्सचेंजर, वहाँ पर लिक्विड पाइप था और यहाँ पर गैस पाइप है, डिस्चार्ज लाइन और सक्शन लाइन, बिल्कुल ये जो लिक्विड पाइप है ये आपकी डिस्चार्ज लाइन है और ये जो गैस पाइप है ये आपकी सक्शन लाइन है। माल फंक्शन ऑफ गैस पाइप थर्मिस्टर फॉर हीट एक्सचेंजर डिफेक्ट ऑफ कनेक्टर स्ट्रिप डिफेक्ट ऑफ गैस पाइप थर्मिस्टर, वहाँ पे लिक्विड पाइप था यहाँ पे गैस पाइप है, कॉन्टैक्टर स्ट्रिप है सेम एज इट इज़ वैसे ही है। ये भी आपको VRU में देखिए पैकेज टाइप में मिलता है, VRU में मिलता है आपको, उसके अलावा आपको RA में मिलता है। उसके अलावा आपका है जी C6 माल फंक्शनिंग फैन मोटर कंट्रोल ड्राइवर, बिल्कुल ठीक है। जो आपका माल फंक्शनिंग है फैन मोटर कंट्रोल ड्राइवर है वो भी मसला कर सकता है, जहाँ से आपको फैन को सप्लाई जा रही होती है फैन मोटर को जो उसका ड्राइवर है इंडोर किट के अंदर जो पीसीबी के अंदर लगाता है वहाँ से इशू हो सकता है। इशू बनने की वजह क्या है, कॉजेज क्या है, सिम्टम्स क्या है, वजूहत क्या है, डिफेक्ट ऑफ फैन मोटर सेंसर सिस्टम डिफेक्ट और फैन मोटर कंट्रोल, बिल्कुल जो फैन मोटर सेंसर है वो भी मसला कर सकता है। उसकी वैल्यू अप एंड डाउन हो जाती है, जब उसकी वैल्यू एक्सीड हो जाती है तब भी ये मसला आना शुरू हो जाता है। उसके अलावा डिफेक्ट ऑफ फैन मोटर कंट्रोलर ड्राइवर, बिल्कुल कंट्रोलर ड्राइव या जो इंडोर से सप्लाई मिल रही है पीसीबी से सप्लाई मिल रही है वो इसमें मसला हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो समझ आई होगी, अगर कोई वीडियो में कुछ ना समझ आया हो तो आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आपको इजीली पहुँच सकें। तो उम्मीद करता हूँ, मैं तो कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ HVAC के मुताबिक, फिर भी अगर कोई वीडियो रह जाती है तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि हम इसके बारे में बताएं, तो मैं कोशिश करूँगा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उसके बारे में ही बनाएं ताकि आपको इजीली समझ भी आ जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हमें इजाज़त दें, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।